नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का ज्योतिष चराहट के, मैं हूं आपके साथ आपका संतोष संतोषी। आज बड़ी रोचक जानकारी लेकर के आया हूं, ज्योतिष और कर्मकांड का एक मिश्रण लेके आया हूं। यह रोचक जानकारी आपके लिए बहुत सकारात्मक हो सकती है। मित्रों, हम सब हिंदू सनातनियों के घर में मंदिर अवश्य होता है। अरबपति है तो बड़ा होगा, 12x15 के कमरे में होगा, बड़ा सा मंदिर घर के अंदर। और कोई एक ही कमरे का घर है तो छोटा सा कहीं ना कहीं टांग कर बना देता है, एक छोटी सी जगह पर बना देता है। आज मंदिर से जुड़ी ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे जो सतत शोध के बाद हम लेकर के आए हैं। थम कर बैठ जाइएगा, मात्र 4-5 मिनट बैठिएगा और इस जानकारी को प्राप्त करके अपने मंदिर में प्रवेश करिएगा और मंदिर में प्रवेश करके देखिएगा और जैसा मैंने बताया है कर दीजिएगा और शाम तक इसका असर देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न मंदिर को लेकर के हर किसी के मन में रहते हैं जो समय समय पर हमसे लोग पूछते रहते हैं। आज मूल प्रश्न का उत्तर हम देंगे, उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ जो आपके दैनिक जीवन में रहता है। मंदिर में क्या क्या जरूर होना चाहिए, मंदिर में क्या क्या अवश्य रखना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए और मंदिर कहाँ होना चाहिए। मंदिर कहाँ होना चाहिए को लेकर के वास्तु विद आदि जो देखते हैं, घर का मुआयना वगैरह करते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, और सटीक भी है ये, ईशान कोण मंदिर के लिए मुकर्रर किया गया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सर्वविदित है और सर्वमान्य है। काल पुरुष का मुख ये ईशान कोण होता है। ईशान कोण कहते हैं उत्तर पूरब के कोने को। इसमें आप मंदिर को उत्तरी दीवार पर, उत्तरी कोने पर, पूर्वी कोने पर, पूर्वी दीवार पर आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं, नीचे चाहे ऊपर, जैसे आपकी सुविधा हो। तो मंदिर को लेकर के पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि मंदिर कहां रहना चाहिए। प्रश्न नंबर दो, भगवान की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, क्या एक से अधिक मूर्ति एक भगवान की रख सकते हैं। जैसे अब लोग लक्ष्मी गणेश है, हर साल लक्ष्मी गणेश दिवाली में आते हैं, पूजे जाते हैं, तो पुराने वाले को आप पीपल आदि के नीचे रख देते हैं। देखिए, मिट्टी का अगर रखा है आपने, अगर आपने मिट्टी का रखा है, वैसे तो जनरली एक मूर्ति बहुत है। अभी आगे हम बताएंगे कि मूर्ति की साइज क्या होनी चाहिए, इस पर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी सी रख लेते हैं, 3-3-4-4 फिट की रख लेते हैं। कुछ लोग हमने देखा है घर में, तो बाप रे बाप, आदम कद का है, मतलब 6-6.5 फिट की मूर्ति रखा है उन्होंने, हटवा दिया था मैंने। आगे हम बताएंगे कितनी बड़ी मूर्ति रखी जा सकती है। तो पहले हम बता देते हैं कि कितने भगवान रखे आप, एक एक रखिए, बाकी किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप उसको जो है मंदिर आदि में रख दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए, मिट्टी गल जाएगा, और गंगा जी में आप प्रवाह कर सकते हो तो गल जाएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। इको फ्रेंडली होते हैं वैसे भी आजकल जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो एक से ज़्यादा मूर्ति ना रखें। लोग पीतल सोने चांदी की रखते हैं, ऐसी अष्टधातु की रखते हैं, ऐसी मूर्तियाँ भी अगर आपके पास हैं तो बस एक भगवान की एक रखिए जो आपके इष्ट हो। गणेश, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, भोलेनाथ हैं, आप रख सकते हैं। अगला एक प्रश्न आता है कि क्या शिव परिवार रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। शिव परिवार का छोटा स्तर, छोटा रूप स्वरूप आप रख सकते हैं, इसमें से कोई समस्या नहीं है। एक प्रश्न आता है कि अब जो हमने अभी बताया कि कितनी बड़ी मूर्तियां रखी जा सकती हैं, तो इसके लिए बहुत स्पष्ट शास्त्रोक्त वर्णन है 9 अंगुल प्रमाण की। ये हमने आपको 4-4-8 अंगुल प्रमाण दे दिया, इतनी बड़ी, और 1 अंगुल और ऊपर रखकर नाप लीजिए,
नौ अंगुल प्रमाण की मूर्ति आप रख सकते हैं। इसका प्रभाव आपको परम पावन शुभ स्थिति में प्राप्त होगा, इसमें कतई संशय नहीं है, यह आप रख सकते हैं। तो इतनी ऊंची मूर्ति मैक्सिमम अधिकतम, बाकी इससे छोटी चाहे जितनी चलेगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि राम दरबार और भगवान कृष्ण की लोग कुछ बड़ी मूर्तियां भी रखते हैं। हमने भी अपने मंदिर में संगमरमर की राम दरबार और बजरंग बली बैठे हुए रखा हुआ है, वो बड़ी मूर्ति है। इसके पीछे का जो मेरा शोध और तर्क है उसे रखा जा सकता है। भगवान श्री राम मानव योनि में आए, अवतारी थे, लेकिन उनका जो आगम था, जो पृथ्वी पर उनका विचरण था, वह मानव योनि में था, तो उसे आप रख सकते हैं। लेकिन एक बंधन रहेगा, हर रोज उसका पूजन, दीप धूप, भोग प्रसाद, शयन आदि करना पड़ेगा। ठीक, वो आप करिएगा। अगर आप बड़ी मूर्ति रखे हैं तो जैसे मंदिरों में पंडित जी पूजा करते हैं, वैसे ही आपको भोग प्रसाद, धूप दीप, हर रोज सुबह स्नान आदि, फूल से जल से छिड़काव, स्नान आदि सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा जो मंदिरों में परंपराएं हैं। ये बंधन रहेगा। अगर आप इस बंधन में बंध सकते हैं तो आप बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं। एक प्रश्न बहुत बड़ा और आता है कि क्या मंदिर में रखे मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, जो घर में मंदिर है उसकी? नो, नेवर एवर, कभी नहीं। घर के अंदर अगर आपके मंदिर है तो आप उस मंदिर की मूर्तियों में मंत्रोक्त मंत्र से कहा गया प्राण प्रतिष्ठा कभी मत कराइएगा, अन्यथा आपके वंश और कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा मतलब होगा, कन्फर्म होगा, ये शोधित है, ये हमने शोध किया है। लगभग 250-250 घरों में जहां पर वंश नाश हुआ है, घर में अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद क्यों होता है ऐसा, इस पर हम अगली वीडियो कभी बनाएंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं उस मेन मैटर पर, जो हमने बोला था कि मंदिर में क्या क्या अवश्य होना चाहिए, ये हमारा मूल मुद्दा था, उस पे आते हैं। नंबर एक, घंटी अक्सर मंदिरों में नहीं होता है। इसका आपके जीवन में तत्काल असर पड़ता है अगर मंदिर में घंटी है जो बजाते हैं। आरती के समय, पूजा के समय ये 2-4 मिनट जरूर बजाइए। 2-4 मिनट हम कह रहे हैं, ये नहीं कि 2-4 सेकंड गुनगुन गुनगुन करके रख दिए, खाना पूर्ति नहीं, 2-4 मिनट बजाइए। हम तो अपने घर में घूम घूम के बजाते हैं। इसके वाइब्रेशन से, इसके इसको नाद कहते हैं, ये नाद है, इसमें गूंजता है घंटी का जो शेप है, उससे इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतना ऐसे वो जो मंदिर में जाकर आपको शांति का अनुभव होता है ना, वो इसी सब का प्रभाव होता है। घंटा जरूर हो, घंट घड़ियाल वो भी जरूर होना चाहिए। दो चीजें हो गई। नंबर तीन, संघ, यह आपके मंदिर में हर हाल में हो। संख रहने से धन का आगम सुचारू ढंग से बना रहता है। संख पर कभी हम पुनः इसका हम वीडियो इस पर डालेंगे, इस पर हम प्रभाव डालेंगे, बताएंगे आपको कि संख का प्रभाव क्या होता है और इससे कैसे आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तीन चीज़ें हो गई, घंटी हो गई, घंटा हो गया, घंटे घड़ियाल वाला, और संख हो गया। तीन चीज़ें आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कुछ सामग्रियाँ, ये तो हुई बड़ी सामग्रियाँ, कुछ सामग्रियाँ भी आपके मंदिर में अवश्य हों। लोहबान गुग्गल, जिसकी धुनी दिखवाते हैं हम, आम की लकड़ी, ये भी मंदिर में अवश्य रखें। हवन सामग्री, यह भी मंदिर में आप हर हाल में रखा करिए, इसमें बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, उन औषधियों का प्रभाव हमारे घर में उनके रहने भर से
आप हवन रोज करते हैं नहीं करते, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। आप मंदिरवा में रखिए बस, खाली उसके रखने भर से उसका प्रभाव होता है। किसी भी सामग्री की उपस्थिति निरर्थक थोड़ी ना है, उसका प्रभाव तो पड़वे करेगा। ऐसे कैसे कि उसका वो है तो उसका प्रभाव, यानी उसकी एक गंध होती है, उसका एक औरा होता है। हल्के में लिए थे क्या, हट, जबरदस्त प्रभाव है उसका, एक औरा होता है। तो आप उसको भी अवश्य रखें, आपके घर में वो होना चाहिए। हवन सामग्री मंदिर में हो, लोहबान गुग्गल हो मंदिर में, और क्या होना चाहिए, तुलसी की माला मंदिर में जरूर रखिएगा भैया। अब भाई तुलसी का पौधा घर में कई बार चलता है कई बार नहीं चलता है, तो तुलसी की माला अवश्य रखिएगा घर में, इसका भी प्रभाव जबरदस्त पड़ता है, बहुत बड़ा पड़ता है। मंदिर में तुलसी की माला रखा करें, फेरते हैं नहीं फेरते हैं वो अलग विषय हो गया, आज हम बता रहे हैं मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, तो तुलसी की माला भी उसमें आ गई। क्या क्या हुआ एक बार शुरू से रिपीट कर देते हैं, घंटी, घंटा, घंट, घड़ियाल, दो चीज़ें हो गई। नंबर तीन हो गया आपका लोहबान गुग्गल मंदिर में, नंबर चार हवन सामग्री, नंबर पाँच तुलसी की माला, ये भी आपके मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। तुलसी की माला हर कीमत पे मंदिर में आप रखें। धूप दीप तो हर कोई रखता है, अगरबत्ती जलाने के लिए, ये सब तो सामान्य चीज़ें। ये जो चीज़ें हमने बताया ये चीज़ें सामान्य तौर पर लोग नहीं रखते। अगर आप इन सामग्रियों को अपने मंदिर में रखते हैं तो आपके भगवान, आपके देवता, आपके घर का औरा, आपके घर की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रहेगी, और इसका प्रभाव आप हर कीमत पर देखेंगे ही देखेंगे। तो आज के इस ज्योतिष जराहट के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के पास, सनातनी हिंदुओं के पास जो अपने घरों में मंदिर बनाते हैं, उनको भी इसका लाभ जन जन तक पहुँचाएँ। इसका प्रभाव हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत शुभ होता है। घर में मंदिर अवश्य रखें, सात्विक रहें। जिस घर में मंदिर और सामग्रियां हो उस घर में मित्रों नॉनवेज मत आने दीजिएगा। लोग कहते हैं कि हम तो बाहर से मंगवा करके खा लेते हैं। अरे भैया, घर में बनावा चाहे पेटवा में धरा, बतिया या कह है दुई बात थोड़ो है। गुड़ खाए गुलगुलास परहेज है। अरे काटा अपना चाहे क्यों बहरे काटत बा, तोहरे ही खाते न तो काटत बा, तू ही तो खरीद के लई बा है। तो केएफसी डीएफसी फेएफसी से खाना खाना ही क्यों भाई। आजकल के लौंडे तर्क देते हैं ससुरे की जो है क्या नाम है दूध को कह देते हैं कि वो भी तो नॉनवेज है। तर्क देते हैं कि जो है फलनवा खाए तो इतना बढ़िया रे कुकुर कहीं कह है। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नो नॉनवेज एट ऑल। नॉनवेज सत्यानाश करेगा, पत्थर सत्यानाश करता है। नॉनवेज मत खाइएगा कभी नहीं, घातक होगा किसी कीमत पर नहीं। तो चलिए अनुमति चाहेंगे, कभी इस पर फिर प्रकाश डालेंगे। एक बाइट नॉनवेज तीन जन्म का पुण्य छीण करता है। तीन जन्म जो पुण्य कमाएंगे आप वो एक बाइट नॉनवेज खत्म कर देगा, ये याद रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।